हाँ नमस्कार, मैं हूँ सत्या कुमार और आप लोग देख रहे हैं झारखंड न्यूज 24। आज हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे और कुछ माताएं बहनें जो है पीने के पानी को जो है बहुत ही तकलीफ से एकदम बहुत दूर से लेके जाती है पीने के लिए। और हम वैसे नेता जो मंत्री जो सांसद हम उन सबों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्या विकास किए हैं। आज के डेट में पीने के लिए आदमी को दिक्कत होता है। अच्छा कितना दूर से तो नहीं लेके जा पानी? हमने हाँ हमने यहाँ कर इसलिए कितना घर से दूर कितना हो? 500 आई आई थीने चढ़े तो मंदिरवा थी पूरा चढ़े पे वो ने। हाँ चढ़े। अच्छा तो हमनी के जो नेता हथिन जो सांसद हथिन मंत्री हथिन कभी तो हनी के तकलीफ ये सब देखे कभी गाँव में आया होते ने? की दादी मैंने कते दिन से लगो इनियर पानी पिए ले? वो है तो बड़ी फसे तकलीफ पानी के। हमर गांव थी ना लगो बेटा हमर गांव ऊपर उधर जिला देती थे ना। हां हमर तो यहां गाली बेटी का मैंने अरे इतने नहाए धोवे पानी नहाए धोवे है पानी टाइन के गाड़ी से टाइन के नहाती। अच्छा मैंने की अगर यहाँ अगर हमने जे जकरा वोट दे जे प्रतिनिधि हमने चुना हक सांसद सब के अगर उ सब अगर मान ले बढ़िया से हमने के पिए के व्यवस्था कर देतले पानी के तो कितना बढ़िया भेतले। मतलब पिए के और फिर जे कोनो इतना तपली अखनी बड़ी दिन से तपली खाई को बड़ी दिन से आज से ना कहियो। अच्छा नेता सब खाली की वोट ले मांगेला वो वोट के टाइम में कैसे जानियो बताओ सब के नेता सब की खाली वोट मांगेला वो की करो तिन तो आए? अच्छा अभी हमने के जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी तो हमने के गांव कभी आये ना? ना कभी ना आये। कैसे ना आये लगे? चंद्र प्रकाश चौधरी अल हथिन। अच्छा ईटा के बारे में यहाँ गांव के समस्या के लेकर के तो हमने कभी बात नहीं रख लगे कि हमने के पिए के पानी दिक्कत हो नहाए के दिक्कत हो इस के बारे में। अच्छा अभी मैंने की गिरिडीह लोकसभा में फिर से मैंने चुनाव के लिए लड़ रहा है तीन गो हमने के प्रत्याशी हथिन है जयराम महतो सीपी चौधरी और मथुरा महतो तो की लागो अभी फिर मैंने तो नहीं ओकरा चुनबक ने ककरा देबक अभी इस बार? जयराम महतो। तो जयराम महतो को इस बार देबक ने? हां। अच्छा अगर काहे क्यों नहीं कुछ देखेबे कर ले तो कहे देब हमने तो दूर से पानी ले रहा लिया और मैंने जे अभी जे हमने वर्तमान सांसद तो हमने के लिए कुछ ना कर दल ना कुछ न कर दल थी। चल बहुत बहुत तोनी के धन्यवाद हो। हमने चाहे जे भी हमारे अगर सांसद तक अगर वीडियो जाए तो इटा कौन जगह जगह वक्त नाम बता? चपरखो। चपरखो ने? हाँ। कौन पंचायत में आओ इटा? रोसना पंचायत रोसना टुंडा। हाँ। है? हाँ। तो रोसना टुंडा में देख ले यहाँ करीब मैंने पहाड़ के समीप में हथीने और इटा रास्ता कौन दुकुर घुसो है? प्रतापुर दुकुर ने? यहाँ के आदमी के मने पिए के पानी के दिक्कत है वो है तो हमर जो प्रतिनिधि है जे तोरा चुन के भेजलो तोरा वोट दे के दलो कि तोरा उम्मीद हले कि तो गांव समाज के लिए कुछ कर भी तो अखनी एक नजर थोड़ा देखिए तनी। बहुत बहुत धन्यवाद तोनी के। कौन पंचायत बोला दादू? पोड़ैया पंचायत। पोड़ैया पंचायत से आप सबों को ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि इस बार गिरिडीह लोकसभा में यहाँ की जनता की जो झुकाव है और जो विचार है इस बार किसके तरफ झुकाव है? जोहार दादा हमारे चैनल में आपको। आपका नाम क्या हुआ? गोविंद महतो। तो आप लोग गिरिडीह लोकसभा में इस बार सांसद के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? सांसद के रूप में जयराम महतो देखेंगे, बीजेपी में तो देखवे किए हैं उसमें मुरारी पांडे। कौन पांडे? रविंदर पांडे। नहीं नहीं अभी हमारे वर्तमान सांसद जो है वो हमारे सीपी चौधरी जी हैं और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप जिस गांव में हैं आपके गांव में जो भी समस्या है उस समस्या को लेके उनके कैडर होंगे या फिर हमारे सांसद महोदय जी या फिर उनका कोई फंड आपके गांव में कोई आया है नहीं आया? सीपी चौधरी तो हम कुछ नहीं जानते फंड आया कि नहीं आया। तो जीत के गया उसका तक भी नहीं किया उसको। उसका कैडर सब कभी आप लोग के बीच में कभी आया नहीं है? कैडर भी नहीं आता है कोई? यहाँ कैडर भी नहीं आता है। तो इस बार आप लोग जयराम महतो को वोट दीजिएगा? हाँ जयराम महतो को देंगे इस बार। अच्छा आप लोग को क्या लगता है जयराम महतो जो बातों को रखते हैं बड़े बड़े मंचों में उन बातों को पूरा कर पाएंगे? वो पूरा कर पाएंगे चाहे नहीं भी कुछ तो करेंगे। भरोसा तो आदमी है कि एक बार तो देखें इसको, सब तो ठग के जा रहा है, भी एक बार ठगिए ले ऐसा है। चलिए धन्यवाद आपको दादा। जोहार आपको हमारे चैनल में। जोहार। आपका नाम क्या हुआ? सुरेश महतो। सुरेश महतो तो आपके गांव में क्या क्या समस्या है जो आप चाहते हैं कि सांसद के माध्यम से हो या फिर सांसद आपके गांव में कभी आए हैं नहीं आए? हम लोग यहाँ पानी का पूरा समस्या है। पानी का दिक्कत है? पानी का पूरा दिक्कत है। तो यहाँ के जो उनके केडर है केडर सबको ये चीज दिखाई नहीं देता है? उनको दिखाई देता है, वो सबको सब उधरे सुधरे कमा के खा के चला जाता है। हाँ हो गया बोरी काम हो गया, बारिश बारिश सब लेके चला जाता है। मतलब जो समस्या वो समस्या को लेकर कभी बात को नहीं रखते गांव के जो लोग हैं उनके साथ में कभी बैठते नहीं, कभी विचार नहीं करते? कोई नहीं आता है। तो सांसद महोदय जी आपके गांव में कभी आए हैं नहीं आए?
वो खाली वोट के इलेक्शन समय आएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। इस बार फिर आएंगे वो, तो फिर क्या इस बार आप लोग क्या सोचे हैं गिरिडीह लोकसभा में सांसद के रूप में आप किनको देखना चाह रहे हैं इस बार? वो कुछ किसको भी देखेगा उसके बाद देखेगा, देखते देखते रह जाएगा, कोई नहीं। क्लियर करिए वोट आप किनको दीजिएगा? वही तो अभी जो लहर चल रहा है जयराम महतो को ही चलेगा, इसका चल रहा है जयराम महतो को दीजिएगा। सीपी चौधरी काहे नहीं दीजिएगा? वो सीपी चौधरी को एक बार आया झलक काम करके दिखा गया, उसके बाद आज दोबारा नहीं आया सीपी चौधरी। और दोबारा मतलब वोट लेने के बाद में दोबारा आया ही नहीं? उसके बाद फिर आएगा, अभी वोट का इलेक्शन हो रहा है। हमारा और एक उम्मीदवार है मोथरा प्रसाद महतो जी, उनको आप उनका जिक्र भी नहीं किया? मोथरा प्रसाद देखे नहीं किए हैं, कैसा है नहीं है मोथरा प्रसाद देखे नहीं किया, नहीं इधर ढुलू महतो न मोथरा प्रसाद कोई नहीं आता इधर। ढुलू महतो तो धनबाद लोकसभा में है, गिरिडीह लोकसभा में नहीं। तो मोथरा प्रसाद नहीं आता। धन्यवाद आपका अपना प्रतिक्रिया देने के लिए। जोहार को। जोहार जोहार आपका। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लालेश्वर प्रसाद हुआ। लालेश्वर प्रसाद, आप लोग इस बार गिरिडीह लोकसभा में सांसद के रूप में आप लोग किसको देखना चाह रहे हैं? देखिए हम लोग तो बारी बारी सबों को देखे, लेकिन अब की बारी टाइगर जयराम जी का बारी है। टाइगर जयराम जी का। बाकी जो उम्मीदवार हैं क्या उन सबों पे आप लोग का विश्वास नहीं है? नहीं, हम नहीं विश्वासघात किया इसलिए। अब देखिए आदमी कपड़ा ही पहनता है तो नया कपड़ा पहनने का भी कोई चॉइस रखते हैं, सबों को बारी बारी देखें, लेकिन अब की बारी जयराम का बारी है। अच्छा, आपके गांव में जो मुख्य मुख्य मुद्दा या फिर जो समस्या है वो समस्या को आप हम चाहते हैं कि आप रखिए, अगर सांसद हमारा कोई भी बने हमारा वोट से ही बनेगा, वो अपना बाप घर से नहीं बनेगा, तो आपके गाँव का समस्या का समाधान भी होना चाहिए। हम लोग वोट इसलिए देते हैं ताकि हमारा समस्या का समाधान वो करे। तो आपके गांव में क्या क्या समस्या है जो हल होना चाहिए? देखिए पहले हम पूरे पंचायत से आते हैं और ये ग्राम भेकनीडी का टोला पिपराडी है। ये एक ऐसा गांव है जो कि घर घर जल घर घर नल जो दिया गया है, यहाँ पानी भी उनका नहीं आता है। नंबर वन। नंबर दो, ये चापा कल से पूरा बस्ती का पिया होता है। समझिए कि इतना बड़ा बस्ती में जिस दिन चापा कल खराब हो जाएगा यहाँ का नर नारी और जीव जंतु को क्या होगा। इसके पीछे हम लोग अपने सांसद महोदय को लिखित भी दिए, पेपर भी हम दिखलाएंगे। साल भर हम दौड़ के मर गए, लेकिन एक जरा सा के चक्कर में फंस गया, मैंने 8 दिन के चक्कर में। इनका जो भी कार्य करता है बेरमो फोस रोड डीसी ऑफिस पेयजल स्वच्छ, हमने कहा नहीं छान मारा, पेपर जाके फंसा दिया धनबाद में। तो बतलाइए कौन सी मांग मांगे थे जनता के हित में, ऐसी जहां तहां लोग बोरिंग दे रहे हैं, जबकि पियाव को देखते हुए इस गांव में सर्वेक्षण आप कर सकते हैं। ठाकुरबाड़ी के सामने एक ठोस जल मीनार है, जिस दिन वो खराब हो जाएगा आप सोचिए कि इस गांव की नौबत क्या होगा। इसके पहले हम लोग एक सिंचाई के संबंध में रखे थे कि यहाँ बहुत अच्छा सिंचाई के साधन है, अन्यथा ऊपर के भरोसे से हम लोग सारा कार्य करते हैं। पार्शनाथ के तलहटी पर हम लोग बसे हुए, इतने अच्छा हम लोग को झरना है और ऐसा एक जगह है, अगर वहां पर बांध दिया जाए तो एक पंचायत नहीं 2-3 पंचायत बारिश का मतलब इंतजार नहीं करेगा सालों भर चाहे। अच्छा, तो हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि चलिए हम हमारा बात सांसद हो या फिर विधायक हो, उनको अगर हम बात अपना नहीं रख पाते हैं तो उनका प्रतिनिधि है, उनका केडर है हमारे गांव में जो वोट के टाइम में आते हैं हम लोग के बीच में और समझाते हैं कि इस बार हमको देखिए इस बार हमको देखिए, तो क्या उस सब भी कभी गांव ग्रामीण के बीच में कभी बैठ के समस्या का समाधान को लेकर कभी विचार विमर्श नहीं करते आप लोग से? विचार विमर्श करना तो दूर है, उनका ना केडर कभी आया ना प्रतिनिधि आया, तो विचार और विमर्श क्या होगा? मतलब कोई मतलब संपर्क करने का प्रयास नहीं? कुछ नहीं, जनता भी यहाँ प्रयास किया अपने माध्यम से तो उस काम को भी नहीं हो। बोले ना एक डीप बोरिंग लिखे हुए है, सारा प्रक्रिया हो चुका जबकि हमने दिखलाई है, पेयजल संसाधन से उनका एस्टिमेट वगैरह सब हो गया, लेकिन स्कूटनी में क्या बोला था जाता है धनबाद जो भेजे हैं 2 दिन के चक्कर में लटक गया। बतलाइए ये कौन सी मुद्दा है साल भर से? अच्छा, अभी वोट का टाइम है, ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, वो पुनः हमारे बीच में आएंगे जो भी प्रतिनिधि मतलब उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं हमारे गिरिडीह लोकसभा से, अगर वो आपको विश्वास दिलाते हैं कि नहीं जो भी कमी थी वो हमसे चूक हुई इस बार हम उस चीज को पूरा करेंगे, तो पिपराडी की जो मतलब जनता है उस पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी? नहीं, एक बार छलने के काम क्या। देखिए हम पहले बार भी बोले हैं कि सबों को एक बार मौका दिया जाए, इतना दिन तो बीजेपी और कांग्रेस को दिए हैं जो कि ठगने के काम किया। आज सीपी चौधरी मेरा नया नहीं है, इससे पहले भी रविंदर जी थे, तो ये लोग ठगने का काम किया, छलने का काम किया। तो हम नहीं,
हम इधर के पूरे वासी बोलते हैं कि अब की बार जयराम की बारी है, चाहे ठगे या ठगवा जो भी है, हम लोग देख चुके हैं, झेल चुके हैं, अपना अपने लोकल उम्मीदवार को लाएंगे।